काम से है ना, देखो अब अकॉर्डिंग टू साहब एक जमाने में दो थे, एक जमाने में चार थे, नाउ कंप्यूटर युग है, जो पहले कागज लेना पूरे अभी, अभी कौन कर रहा है सर? अभी तो कोई नहीं कर रहा, हम सभी देख रहे हैं सर, उसमें अधिकारी जरूरी चाहिए और कभी स्लिपी गिनती नहीं है। एक एक खाली है, कितने तीन है? तीन से दो है, दो है जो दो अनुकंपा वाले उनको ज्यादा काम है तो सिखाओ ना अनुकंपा ज्यादा। टीम की आवश्यकता है, ये प्रसार अधिकारी क्या करेंगे? दो दो पहले थे सर, आज नहीं काम बताओ, काम निरीक्षण पहले दे दूंगा सर, विद्यालय निरीक्षण, निरीक्षण तो पीओ का होगा, ये पद तो शिक्षा प्रसार अधिकारी को तो कहीं काम क्या है आपका, तो काम आपका काम नहीं सर, हमारे दूसरे जिलों का भी कर रहे हैं जो ला रहे हैं, एसीपी बहुत सारे बहुत ज्यादा समस्या का समाधान करने वाला हूँ। आपके कईयों के प्रमोशन होंगे और कईयों का मर्जिंग होगा, अब ऐसे से रमसा तो एक होने ही जा रही है। एक सर मेरे कार्यालय में लेखा अधिकारी भी नहीं है, ये तो आपने लिखा ये तो नहीं है, हैं कितने जिन साथ में लिखो सेक्शन नहीं है जी सर। आज शिक्षा विभाग के अजमेर ज़िले के अधिकारियों जिसमें दोनों डीडी, सभी डीओस, एडीओस और एडीपीसी और अपना जो आईएससी है उसके प्रिंसिपल की मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग में इनके सामने आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा हुई, मुख्यतः कुछ वेतन फिक्सेशन की विभिन्न कैडर की कठिनाई थी। मैंने बीकानेर एफए से बात कर ली, कल मैं अधिकारी को भेज रहा हूँ ताकि इनका समस्याओं का निराकरण हो। कुछ आरटी के पेमेंट से बाकी था उसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए। कुछ स्थानों पर कहीं स्कूल के मर्जीकरण के प्रस्ताव थे, उनमें भी जो लीगल थे उनको हरी झंडी दे दी कि उसके प्रस्ताव बना करके तैयार करो, और साथ में आगामी सत्र में अपने ज़िले के जो शिक्षा से जुड़े हुए लक्ष्य हैं, चाहे वो नामांकन से जुड़े हों, उन सब की चर्चा हुई ताकि अजमेर ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, अग्रणी रहे, इसके लिए हमने कोई योजना बनाई है। मुझे लगता है कि अजमेर ज़िला जो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, और कुछ जगह कुछ स्टाफ की कमी का बात ध्यान आई, कुछ जगह कुछ कमरों की बात आई, कुछ कंप्यूटर्स की बात आई, इन सारी बातों पर विचार करके हम जल्दी से जल्दी इसका समाधान करेंगे।